दस साल तक अपनी मनमर्जी के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने देश में सरकार चलाई है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल करने में बीजेपी नाकाम रही है। अब नरेंद्र मोदी को अपने हर फैसले से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सहमति लेनी होगी। वैसे नीतीश कुमार और नायडू ने अभी तो बीजेपी को समर्थन देने का भरोसा दिलाया है, लेकिन इसके साथ ही दोनों बड़े दिग्गजों ने अपनी शर्तें भी एनडीए के सामने रख दी हैं। बताया जा रहा है कि जेडीयू ने 3 मंत्रालयों की मांग एनडीए के सामने रखी है। जेडीयू ने 4 सांसद पर 1 मंत्रालय का फॉर्मूला बीजेपी के सामने रखा है। बताया जा रहा है कि जेडीयू रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय की मांग कर रही है। रेल मंत्रालय को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना को खत्म करने की भी मांग की है। इसके अलावा त्यागी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग की। वहीं यूसीसी को लेकर भी सीएम नीतीश कुमार का पक्ष साफ है। विधि आयोग को चिट्ठी लिखते हुए जेडीयू ने कहा था कि इस पर सभी पक्षों से बात होनी चाहिए। त्यागी ने कहा कि जातिगत जनगणना करवाना समय की मांग है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। सर, जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसों करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए? कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। सर, अग्निवीर योजना को हटाने की बात करेंगे क्या? अमेंडमेंट की बात करेंगे क्या? हटाने की बात करेंगे अग्निवीर योजना? नहीं, उसकी बातचीत होनी चाहिए। त्यागी जी, आप लोग अग्निवीर योजना की विरोध करते रहे हैं पहले जब इंडिया। हम सजेशंस देते रहे। चलिए सर। वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने भी अपनी मांगों की लिस्ट एनडीए को सौंप दी है। टीडीपी ने एनडीए से 5 बड़े मंत्रालयों की मांग की है। टीडीपी लोकसभा स्पीकर का पद भी चाहती है। टीडीपी ने ग्रामीण विकास, आवास एवं शहरी मामले, बंदरगाह एवं शिपिंग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और जल शक्ति मंत्रालय की मांग की है। दरअसल टीडीपी स्पीकर का पोस्ट इसलिए चाहती है क्योंकि लोकसभा में सबसे ज्यादा ताकतवर पद उसके पास होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि त्रिशंकु संसद की स्थिति में स्पीकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नरेंद्र मोदी ने अब तक बीजेपी की बहुमत वाली सरकार ही चलाई है, चाहे मोदी गुजरात के सीएम रहे हों या फिर पीएम। अब तक उन्होंने कभी सहयोगी दलों का दबाव नहीं झेला, लेकिन इस बार मोदी को सहयोगी दलों की मांगों को हर सूरत में मानना ही पड़ेगा। ऐसे में लगता नहीं कि इस बार पीएम के तौर पर मोदी कोई फैसला अपने मन से ले पाएंगे। उन्हें हर वक्त नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का मुंह ताकना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।